بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. It's a hot topic right now, the AI. The topic given to me is AI's disruptive potential, the pitfalls and challenges. Almost something we have already heard about that, कि क्या क्या इसके नुकसान हैं आज के वक्त में. लेकिन कुछ नुकसान इसके ऐसे भी हैं जो हमारे अपने अपने स्कूल्स के अंदर में भी हैं. कॉमन लाइफ के अंदर में नुकसान अलग हो रहे हैं, स्कूल्स के अंदर नुकसान अलग हो रहे हैं. फर्स्टली आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री. हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स. हम अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें तारीख के अंदर हमको चीज़ें सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह. ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी हिस्ट्री में आई थी, पहले आई थी, और कुछ मुख्तसर सा तस्करा अभी किया गया. डेट वॉज अबाउट प्रिंटिंग प्रेस. एम आई ऑडिबल? फाइन. सो दिस इज द प्रिंटिंग प्रेस. टर्की में ओटोमन एम्पायर के टाइम पर ये प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई गई विद द ज्यूज. ज्यूज ने इसको लेकर आए टर्की में सबसे पहले. एंड उसके अंदर में इन लोगों ने जो चीज़ें प्रिंट करना शुरू की थी, डेट वॉज ऑफ रिलीजियस बुक्स. कुरान शरीफ को इन्होंने प्रिंट किया, उसमें कुछ ऑल्टरेशन हुआ. अभी हमने कहा ना कि हम प्रिंटिंग प्रेस में बहुत पीछे चले गए, यू माइट हैव हर्ड विद द प्रीवियस स्पीकर्स. तो वो किस वजह से हुआ था, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. आई हैव गॉन थ्रू सम पेपर्स, रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग दैट. तो किसी भी ऐसे ही वजह से प्रिंटिंग प्रेस को बैन नहीं किया गया था. इट वॉज बैंड जस्ट बिकॉज द पीपल हु वेर रनिंग दोज प्रिंटिंग प्रेस वेर ऑल्टरिंग कुरान शरीफ. तो एक बहुत बड़े रीजन की वजह से उसको रोका गया था, एंड दैट फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. दैट वॉज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड, स्क्राइब्स जितने लोग उसको लिखते थे, कुरान शरीफ उस वक्त में हाथों से लिखी जाती थी. एंड टर्की बिंग अ वेरी मतलब एक चीज़ों को पसंद करने वाला, उनकी वहाँ की आप कारपेट्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उसमें डिज़ाइन और हैंडीक्राफ्ट और बहुत अच्छी चीज़ें उनकी नज़र आती है डिज़ाइन के एतबार से. तो उन लोगों को कुरान शरीफ प्रिंटेड, वो हाथ से बनाई हुई, जस्ट वॉट वी हैव कैलीग्राफी, तो उस तरह से उनको वो चीज़ें पसंद थी. और बहुत सारे स्क्राइब्स उनके होते थे जो उसको वो लिखते थे, तो उनकी बहुत सारों की जॉब जो है वो जाने का खतरा था. तो ये दो चीज़ों को देखकर वहां के इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसको बंद करने के लिए कहा, जस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड दे हैड आस्क्ड मुस्लिम पीपल, बिजनेसमैन, कि आप अपनी खुद प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करें इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द रिलीजियस टेक्स्ट. उसमें कोई छेड़छाड़, किसी किस्म का कोई ऑल्टरेशन ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. तो ये टेक्नोलॉजी पहले आ चुकी कोई एक, और इंसान ने उसको कैसे लिया, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. देन अबाउट AI, हम सब ने अभी AI को अच्छा खासा सुन चुका है कि AI एक्चुअल में है क्या. ह्यूमन इंटेलिजेंस कन्वर्टेड टू मशीन, एंड मशीन का अब जो नया आया है वो इंटेलिजेंस ऑफ मशीन. ये डिफरेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ह्यूमन इंटेलिजेंस से मशीन, एंड मशीन टू इंटेलिजेंस ऑफ मशीन. बीच में जो चीज़ें हुई इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में, हमने देखा कि कितनी सारे नई नई चीज़ें इंडस्ट्रीज में आ गई. पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही सिर्फ यूज़ किया गया, उसके बाद में फिर मशीन्स आई, अब इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स आ गई, है ना. कंप्यूटर्स जब आए थे तो बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर्स को यूज़ करना नहीं जानते थे वो परेशान हो गए कि अब कैसे यूज़ करेंगे. मैनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जहाँ पर मैं, है ना, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल रेलवे डिपार्टमेंट, वहाँ पर मैं कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन बुकिंग शुरू हुई, तो वो लोग परेशान हो गए कि ये कैसे अब होगा, दे आर नॉट एबल टू यूज़ इट. तो कोई भी टेक्नोलॉजी आई तो उसको वो एडॉप्ट करने में उनको टाइम लगा. नाउ इन एजुकेशन सेक्टर, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर अटैच्ड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सो वी नीड टू नो AI का एजुकेशन सेक्टर में क्या दखल है, हाउ मच इट हैज़
प्लेड अ रोल एंड इट विल प्ले अ रोल. यूएन के अंदर में 2019 में बीजिंग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखाई गई थी. 2019, वी आर नाउ इन 2023. चार साल पहले ऑलरेडी एक कॉन्फ्रेंस बीजिंग के अंदर इसके ऊपर हो चुकी है. एंड ऑन दैट टाइम एक यूनेस्को का एक एजेंडा प्रिपेयर हुआ था. उसमें सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स SDG 17 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए. एजुकेशन गोल वॉज द फोर्थ वन, कि क्वालिटी एजुकेशन देना है एंड इट हैज टू रीच टू एवरीवन, इक्वली फॉर एवरीवन. ये 17 पूरे टोटल 17 SDGs है, इसमें से फोर्थ जो है वो एजुकेशन गोल है. तो यूएन एंड ऑलरेडी यूनेस्को के जरिए से वो ऑलरेडी ये सब चीजें प्लान हो चुकी थी एंड द डेवलप्ड कंट्रीज दे हैड ऑलरेडी टेकन दोज थिंग्स. इंडिया बीइंग स्टिल इन अ डेवलपिंग स्टेज, हमने उसको बहुत बाद में लिया है. वी नीड टू कम टू दैट स्टेज कि हम भी एक डेवलप्ड नेशन में आ जाएं जल्दी से. बाकी कंट्रीज ने इसको फौरन इमीडिएटली ले चुके हैं. सो पिटफॉल्स एंड चैलेंजेस, अभी आपने ऑलरेडी इसको देख चुका, मास अनएम्प्लॉयमेंट. जितने नौकरियां जो जाएगी ना वो AI को न सीखने पर जाएगी, AI की वजह से न सीखने पर. और जितने लोग AI को सीख लेंगे इंशाल्लाह दे विल बी देयर, उनकी जॉब को कोई खतरा नहीं होगा इंशाल्लाह. रोजी का मामला है, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. बेशक अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन आपको उस टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा. आप अगर आउटडेटेड हो गए तो यू विल बी आउट फ्रॉम योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. सेकेंड इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट. अभी हमने हाल ही में अब्दुल लतीफ भाई ने एक जो है न्यूज शेयर की थी BBC की, वेयर इन स्पेनिश टाउन एक जो है वो नेकेड बच्चों की जो है वो इमेजेस शेयर की जा रही थी. बहुत शॉकिंग चीज थी. BBC के अंदर वो आ चुका था, हमारे अब्दुल लतीफ भाई ने उसको ग्रुप में शेयर भी किया था कि ये अब चीजें आ रही है, AI की वजह से ये चीजें हो रही है. सो दिस इज अ बिग थ्रेट ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. डीप फेक्स का हमने सब भी देखा. हाल में ही एक और चीज हुई थी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में. वो वीडियो बॉलीवुड एक्ट्रेस की नहीं थी, डीप फेक के अंदर बनाई गई और वो किसी और एक मॉडल की थी, लेकिन फोटो चेंज करके बिल्कुल सेम बॉडी और सेम फेस यूज करके वो वीडियो क्रिएट की गई. सो इट वॉज अगेन अ डीप फेक वीडियो और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही थी. सो थैंकफुली दैट लेडी, जो ओरिजिनल जिसकी वो वीडियो थी, उसने जब देखा कि ये सेम पोजिशन से ये तो मेरी थी और ये किसी और के चेहरे पर अब फिट करके आ रही है, सो शी इमिजिएटली इन्फॉर्म्ड कि ये गलत चीज़ है एंड इट वॉज वायरल इन द सोशल मीडिया ऑल्सो. ओवर रिलायंस ऑन AI, ज़्यादा हम AI पर भरोसा करना शुरू कर दें. बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें बहुत सारी आगे फ्यूचर में होगी. अभी तो उतनी नहीं हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर किसी के बारे में डिस्क्रिमिनेशन ये चीज़ें लाएगी. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप एक कंपनी में हैं और एक कंपनी में किसको सेलेक्ट करना है और किसको नहीं सेलेक्ट करना है, इफ़ दैट इज़ फीडेड तो उन्हीं को लिया जाएगा और बाकी लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सो इट कैन बी वेरी बायस्ड एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो विल बी देयर. इसकी बहुत कुछ चांसेस है. नाउ पिटफॉल्स एंड चैलेंजेस इन स्कूल. द इमेज विच इज बीन नॉट एबल टू शो ओवर देयर, इट इज ट्रेडिशनल एंड द नेक्स्ट वन इज AI driven. अब हमारे अपने स्कूल्स में AI का आना कितना ज़रूरी है, ट्रेडिशनल मेथड कितना हमारे लिए यूजफुल था और AI का अब आने से हमारे लिए क्या मामले, कैसे हमारे हालात बनेंगे. यस, AI driven. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर,
उतना हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपिंग कंट्रीज के पास में नहीं है. डेवलप्ड कंट्रीज के पास में ऑलमोस्ट दे हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर एआई कैन बी इमीडिएटली इंप्लीमेंटेड एंड इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड ऑलरेडी. हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं, अभी उतने सब जगहों पर चीज़ें आई नहीं है. हार्डली अभी आपने देखा होगा बेंगलोर के अंदर एक स्कूल इंडस इंटरनेशनल स्कूल में रोबोट्स यूज हो रहे हैं अलॉन्ग विद द टीचर्स. दे कैन नॉट रिप्लेस द टीचर्स बट दे आर वर्किंग अलॉन्ग विद द टीचर्स. इन 2013 आई हैड बीन टू फिएट मोटर्स प्लांट इन पुणे. वहाँ पर मैं 2013 में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बैक दे वर यूजिंग रोबोट्स. तो इंडस्ट्रीज में ये चीज़ें काफ़ी आ चुकी थी पहले. फिएट मोटर्स के अंदर में 6 रोबोट्स असेंबली प्लांट के अंदर में 2013 में यूज हो रहे थे. आई हैड बीन टू दैट प्लांट एंड आई हैड सीन दोज रोबोट्स. वो 6 रोबोट्स काम कर रहे थे. देर नो ह्यूमन बींग इन दैट सेक्शन ऑफ असेंबली प्लांट. लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग. टीचर्स हमारे उतने अभी ट्रेंड नहीं है. एक डिजिटल स्क्रीन आ गई तो उसी को ऑपरेट करने में टीचर्स को मुश्किल जाती है. हमारे ही अपने करीब के एक स्कूल में माशाल्लाह ऑलमोस्ट 1 लाख की एक डिजिटल बोर्ड उन्होंने ऑर्डर किया, बुलवाया, बट टीचर्स वेर हार्डली एबल टू यूज इट प्रॉपरली. तो AI तो बहुत आगे की चीज़ हो गई. टीचर्स जॉब विल बिकम ईजियर और डिफिकल्ट, ये इसका जवाब आपको पता चलेगा थोड़ी देर में कि कितना जॉब उनका आसान है कि मुश्किल हो गया और बच्चों के लर्निंग पर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है. रोबोट्स, आई हैव टोल्ड यू कि रोबोट्स अभी टीचर्स के साथ साथ काम कर रहे हैं, है ना. टीचर्स अब इस डर में आ जाते हैं कि अब ये आगे कहीं हमें रिप्लेस ना कर दें. व्हेन दे विल रिप्लेस यू, व्हेन यू आर नॉट फिट फॉर टीचिंग. दे हैव ऑल द डेटा इनसाइड देम. वो हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं. टेक्निकली दे आर वेरी साउंड, सब कुछ है, बट देर आर सम लिमिटेशंस. वो है अपनी जगह पर. वो क्या रहेंगे कि दे के नॉट रिप्लेस दी. हमने जितना अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वो मेंटल सारी जितनी चीज़ें हैं, और मिस बाबाई ने कहा कि हाँ उनके अंदर वो एहसासात, वो कहाँ से लाऊंगे. बच्चों को समझना, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को, है ना. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमको जहनी तौर पे हमको मजबूत बनाया है, वो रोबोट से वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती. देन देर आर एथिकल कंसर्न्स कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अनएथिकल होती है. डेटा का इतना सारा कलेक्शन है कि देर इज मिसमैनेजमेंट ऑफ डेटा. कहाँ से किधर जा रहा है, क्या जा रहा है. आप अभी सिर्फ इस वक्त में बैठकर आप गुड होटल्स डाल दें तो इमिजिएटली आपको कोचिन के आसपास, यहीं अलुवा के आसपास की गुड होटल्स बता देगा. क्यों बताएगा? जी आपने सिर्फ गुड होटल्स डाला. जी यस, तो उनके पास वो लोकेशन के जरिए से डेटा आ चुका है कि अभी आप इस वक्त में कहां पर हैं. तो आपकी पसंद, आपने कई बार कोई चीज को टाइप किया ना. हमने अपने बच्चों को बताया ये चीज स्कूल में कि आप जितने बार जो चीज टाइप करते जाओगे वो डेटा सेव होते जा रहा है. वो डेटा क्या हो रहा है, वो सेव होता जा रहा है. नेक्स्ट टाइम वही चीज वो आपको सजेस्ट करेगा. आपके टाइप करने से पहले इमिजिएटली वो चीजें आती है. यू टाइप जस्ट वन लेटर, यू टाइप बी, तो वो बी से सारी चीजें ओपन करेगा जो आपने इससे पहले देख चुके हैं. तो ऑल दिस काइंड ऑफ डेटा आर बीइंग सेव्ड, वो रिकॉर्ड हो रहा है आपका पूरा. एंड कॉस्ट इफेक्टिविटी, जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली चीज है. जो आई विल जस्ट प्ले अ स्मॉल वीडियो where the it's on ABC News. So what she was telling is कि चीज़ें आ गई है, AI आ जा रहा है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए कोई अभी तक के रूल्स बने नहीं हैं. जस्ट वॉट हैपन्ड, अभी जो बताए कि वॉट हैपन्ड यस्टरडे ओनली, अब समीर भाई ने कहा है ना, हमारे अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो मामला हुआ, तो नाउ पीपल आर ब्रिंगिंग अटेंशन कि अब ये चीज़ें हो रही है कि अचानक कोई टूल आ गया और वो रूल्स को ब्रेक कर रहा है, रेगुलेशंस को ब्रेक कर रहा है. एंड देर आर नॉट प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कि ये कितना कैसा यूज़ होना चाहिए. तो उसके अब हेल्पफुल से ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें अब तकलीफ दे रही है. सो दिस इज वॉट शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकाज टीचर्स फेडरेशन.
वो लेडी कह रही है कि ये बच्चों को कितनी तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं. एंड इट्स अ गेम चेंजर व्हाट शी सेड, इट्स अ गेम चेंजर बट टीचर्स हैव टू बी द कोच. टीचर्स के बगैर वो गेम नहीं चलेगा. इट इज़ अ गेम चेंजर बट टीचर्स हैव टू बी द कोच इन दैट गेम. तो ये इतना इम्पोर्टेंट रोल टीचर्स का है. नाउ द वे फॉरवर्ड, आगे हमको क्या करना है. ये हमारा पिछली चीज़ें थी. आगे हमें हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस दिया, जिसके बारे में हमने सुबह भी बात को सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है. अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर में जो तस्किरा किया है सूरह 3 के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सिनीन वहादल बलदिन अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, वी हैव क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट ऑफ कम्पोजिशन. हमने इंसान को सबसे अच्छा बनाया है. तो वो चीज़ किसी भी चीज़ में, चाहे वो ज़माना कितना ही एडवांस और तरक्की करता जाए, वो उसके बराबर पे पहुँच ही नहीं सकता. अभी जो मिसबा भाई ने कहा सिंगुलैरिटी के बारे में, कि कहीं ये ऐसा ना हो रहा हो कि AI इंसान से आगे बढ़ता जाए, लेकिन एक्चुअल में जब हम उन टूल को सीखेंगे और सही जगह इस्तेमाल करेंगे, वी विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ AI इंशाल्लाह. हम उसके पीछे नहीं रहेंगे. द एबिलिटी टू लर्न अंडरस्टैंड एंड थिंक, कुछ डिक्शनरीज के अंदर में AI का मुख्तसर सा डेफिनेशन दिया हुआ है. मार्क किंग्सले इन हिज बुक ऑफ ए हिमालयन ट्रिनिटी, उसमें उन्होंने इसी चीज को, जो डॉक्टर साहब ने सुबह कहा, IQ, PQ, है ना, आपका SQ एंड EQ, ये चारों जो क्वेश्चंस हैं, तो ये सारी सब चीज़ें इंसान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है. एंड द फिगर विच आई एम पुट इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज फ्रॉम अ प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो एक साइकोलॉजिस्ट भी है. उन्होंने इंसान के अंदर की जो इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस पूरे पिक्चर में डिफाइन किया है. देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. हम चार समझते हैं, ये 8 चीज़ें हैं. इंसान देखकर कुछ चीज़ों को समझता है, कुछ चीज़ों को जो है वो सुनकर, कुछ चीज़ों को है ना हाथ लगाकर फील करके, सो काइनेस्थेटिक, कई सारी चीज़ें, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लोगों के साथ कैसा, अपने अंदर का कैसा मामला है. तो देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, है ना डॉक्टर साहब, हो गया टाइम 10 मिनट, आगे बढ़ गए माशाल्लाह. शरिया एस्पेक्ट्स थोड़े से हैं बस, वी विल जस्ट गो थ्रू इट. ये सब चीजें सामेरी ने पहले कर चुकी थी, हम थोड़ा सा इसको रिसर्च करें. सूरह ताहा के अंदर में आयत 85 से 95 तक तफसीर में जाएं, सामेरी ने क्या किया था, ठीक है. सो इट विल बिकम अ होमवर्क फॉर एवरीवन. नाउ सुलेमान अलैहि सलाम के दौरान जो जादू का दौर था, जादू खूब चीज़ें चलती थी, तो उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हारूत और मारूत को भेजा था, है ना. और आप कुरान की तफसीर में देखेंगे तो वहाँ पर में कुछ फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूले उनको सिखाए गए ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो मिरेकल्स हैं, नबी मिरेकल्स बताएंगे सच्चाई समझाने के लिए, बताने के लिए, और ये इधर मैजिक बताएंगे. तो मैजिक और मिरेकल्स में फ़र्क क्या है, उसको बताने के लिए ये दो फरिश्तों को खास भेजा गया था. एंड देर इज अ चार्ल्स जॉनसन साइकेट्रिस्ट, उसने साफ कहा, वी सो रेडिली आइडियलाइज द टेक्नोलॉजी एंड इन इफेक्ट वी मेक इट अवर गॉड. हम उसको अपना खुदा बना लेते हैं. कोई भी चीज़ आती है, हम उसको अपना खुदा बना लेते हैं, हम समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ है. सो AI has emerged, यू हैव टू अपग्रेड, अदरवाइज देर विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू एंड यू विल बी मूव पीपल एंड AI विल मूव पीपल अवे फ्रॉम दीन विच यू कैन नॉट इमेजिन. दिस इज बीन सेड बाय डॉक्टर जीशान उस्मानी, अ डेटा साइंटिस्ट. मैनी मैन हैव हर्ड अबाउट हिम ऑल्सो. यूनेस्को की ये गाइडलाइंस है, ये बुक आपको पूरी मिल सकती है, ऑनलाइन PDF अवेलेबल है इसका, जो बीजिंग के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ताल्लुक से, और यूनेस्को ने जो जो चीज़ें बताई है, यू विल बी एबल टू गेट दैट. सो फाइनल माई टेक अवेज, हमें करना क्या है, एज पॉलिसी मेकर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड AI, हाउ मच हेल्पफुल एंड हार्मफुल, दोनों चीज़ें उसकी देखना पड़ेगा हमें. अवेयरनेस लाने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, जस्ट लाइक अभी हमारे भाई ने कहा ना कि इंडिविजुअल स्कूल कॉलेजेस तो कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करे. सो माशाल्लाह विशुच से माशाल्लाह कि MFERD उसको ऑर्गेनाइज कर रही है ना, इस
अहम टॉपिक के ऊपर में. फैकल्टी ट्रेनिंग सेशंस वी नीड टू कंडक्ट, और ये हमारे अपने स्कूल्स में कैसे आए, रोबोटिक्स, कोडिंग, ये सब सारी चीज़ें को अब हमको बच्चों को धीरे धीरे बतानी पड़ेगी. टू मेक आर ओन टेक्नोलॉजी, हमें अपने खुद की टेक्नोलॉजी को हमको लाना पड़ेगा. हमको भागना नहीं है टेक्नोलॉजी से, वी डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम इट, बट वी हैव टू क्रिएट टेक्नोलॉजी, हमें खुद बनाना पड़ेगा. फॉर दैट हमें इसके रिसर्च सेंटर्स बनाकर उसको काम शुरू करना पड़ेगा. टिल देन वी नीड टू गो अलॉन्ग, जितने भी आपको टूल्स बताए गए उनको यूज करते रहें. एंड देर आर कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, और बुक्स भी अवेलेबल है डॉक्टर जीशान उस्मानी की AI के ऊपर में, वेरी गुड बुक्स है. दीज आर ऑल द रेफरेंसेज. जज़ाकअल्लाह खैर टू द प्रीवियस स्पीकर्स ऑल्सो, दे हैव हेल्प मी अ लॉट इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकअल्लाह खैर.